लेजिस्लेटर पार्टी की पहली मीटिंग थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब को यूनानिमसली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर पार्टी का प्रेसिडेंट उसका कायद मुकर्रर किया गया। दैट इज इट। तो क्या खास मकसद रहा? मकसद यही था, लीडर चुनना था, लीडर चुन लिया हमने, उमर साहब को लीडर चुन लिया यूनानिमसली, और कोई मकसद नहीं था। जी जी सीएम सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, और कौन? आपको कोई शक है? अभी भी शक है? पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हमारी प्रायोरिटीज है, अब उन पे ही काम करेंगे। हाँ हाँ, सब इंशाल्लाह पूरा पूरी कोशिश करेंगे हम। इसके साथ भी कोई मीटिंग रही आज? वो देखेंगे, उमर साहब देखेंगे, फारूक साहब देखेंगे। थैंक यू। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आज के मुद्दे पर। आज ऐसे पार्टी मीटिंग थी, बुलाई थी। पहले सुनो, डॉक्टर साहब ने बुलाई थी मीटिंग, सब MLA उसमें शामिल हो गए और मुश्तरका तौर एक आवाज में कहा उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जी। उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को मंजूर होगा, अगली मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर का वादा संभाल। बनेगी जी, आपको क्या फिक्र है? फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर बन गया। वी होप दैट यू विल ऑल्सो कोऑपरेट द गवर्नमेंट। अगर इस मुश्किल से निकलना है जो लोगों को कश्मीर में है जिन्हें वोट कौन CM के उमर साहब के बगैर कोई नहीं है, बस उमर। उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया, उमर साहब को यूनानिमसली सब ने विद वॉइस वोट उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया, और 46 लोगों ने 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जो चार इंडिपेंडेंस में ज्वाइन किया, उन सब ने उमर साहब को लीडर चुना, और आने वाले दो दिन में इंशाल्लाह वो यकीनन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चार ने ज्वाइन किया हुआ है जम्मू से ही चारों, तो हमें उम्मीद है और भी ज्वाइन करेंगे। हमें हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ जो JKNC के 46 है अभी, ये बढ़ भी सकती है। कांग्रेस से आज मीटिंग हो रही है और इंशाल्लाह दैट इज राइट। LG के साथ कब मिलने जाएंगे? आज या कल तक तो मिल ही लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2-3 डेज गवर्नमेंट फॉर्म हो गई होगी इंशाल्लाह।